नर्वस भी एक्साइटेड भी दोनों ही हमेशा होता है कि जब भी फिल्म एक नया फिल्म आ रहे हो और उसका रिलीज़ पास में हो तब एक फिल्म मेकर के हिसाब से एक्साइटमेंट होता है कि इतना जो एक आप प्यार से कुछ बनाते हो कि वो अभी उसका फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने ही वाला है, और नर्वसली भी लगता है कि आप जितना प्यार से किसी चीज़ को बनाया कि लोग भी उसको उतना ही प्यार दे या ना दे, तो उसके लिए नर्वसनेस भी होता है। शब एक फिल्म है जो सेट है दिल्ली में, सिटी लाइफ के बारे में है। तो एक ऐसा कहानी है जिसमें अलग अलग किरदार अलग अलग शहरों से, अलग अलग छोटे छोटे जगह से, दुनिया के अलग अलग जगह से सब आते हैं इस शहर पे दिल्ली में, अपना अपना ख्वाब लेके, अपना अपना सपना लेके, किसी को कुछ हासिल करना है। और ज़िंदगी के जो सफ़र पे कोई कोई ऐसा होता है कि अपना मंजिल हासिल कर लेता है, कोई कोई ऐसा होता है कि उनका सपना बिखर जाता है। तो ये फिल्म सपनों के बारे हैं, सपनों बिखर जाने के बारे है, रिश्तों के बारे हैं, किसी रिश्ता बनता है, कुछ टूट जाता है। तो एक शहर आपको कैसा ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसके बारे हैं। आपके जहन में कब है कि रवीना मैम को, अर्पिता जी को कास्ट करना चाहिए और आशीष एक नए चेहरे? मैंने जब ये फिल्म पहले इस फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया, मैं और मेरे साथ उर्मी जुवेकर काम कर रहा था स्क्रिप्ट पे, वो साल 2000 पे था। तो बहुत पहले ये मेरा फर्स्ट स्क्रिप्ट जिस पे काम करना शुरू किया था। तो तब मैं पहली बार संजय सूरी और रवीना से मिला था दमन के सेट पे, जहाँ पे मैं एडिटर था। तो तब से ही रवीना टंडन, संजय सूरी इन लोग की फिल्म का पार्ट था। मैंने जब इस फिल्म का स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया था, 17 साल बीत गया, तो चेंजेस कैरेक्टर्स को भी हो गया, रोल्स को भी हो गया। अभी रवीना दूसरा रोल कर रहे हैं, संजय सूरी एक केमियो का रोल कर रहा है। मुझे जो कैरेक्टर अभी आशीष निभा रहा है, ऐसा एक किरदार चाहिए था जिसमें एक इनोसेंस हो, जिसपे एक देख के लगता है कि हाँ, एक छोटे शहर से आया है कुछ सपना देख के। और जब मैं इसका कास्टिंग कर रहा था, ऑडिशन कर रहा था, आशीष पे वो क्वालिटी मिला है कि एक उस पर एक क्वालिटी है कि वो अभी भी मासूम है, सिटी में आकर भी, शहर में आकर भी उसका वो मासूमियत खोया नहीं है। और बहुत मेहनत किया उसने, एटलीस्ट 3-4 साल से वर्कशॉप, जो जो मैं करने को बोला, क्योंकि वो जब पहले मुझे ऑडिशन दिया था दिल्ली में, वो रिजेक्ट हो गया था। और लेकिन मुझे एक स्पार्क लगा था, इसमें से झलक है कि वो हार्ड वर्किंग है और उसका एक सपना है, उसे हासिल करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। तो वो मुझे अच्छा लगा, और वो जो प्रोसेस ऑफ वर्कशॉप लर्निंग पे वो अपने आप को काबिल किया कि एक एक्टर हिसाब से भी वो अच्छा है, लेकिन अपना जो मासूमियत है वो अभी भी इंटैक्ट है। आप संजय सूरी सर के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, एंटी क्लॉक के साथ बहुत सारी मूवी को प्रोड्यूस भी किए, तो कैसा रेपो शेयर करते हैं आप? तो हम लोग पहले मिला, मैंने अभी जैसा बोला, दमन के सेट पर मैं एडिटर था, और तब से एक दोस्ती बन गया कि हम दोनों को एक ही तरह का फिल्म पसंद है, एक ही तरह का फिल्म बनाने का पसंद है, और एक बेसिक ट्रस्ट है एक दूसरे पे। तो वो जब रहता है ना, तो सफ़र इजी बन जाता है। हम जब प्रोजेक्ट्स करते हैं, कभी कभी लाइक चौरंगा हमने जब किया था, वहाँ संजय एक्ट कर रहा था, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैं प्रोड्यूसर का जो रोल है वो ज़्यादा संभाल रहा था। शब पे मैं डायरेक्टर हूँ, संजय प्रोड्यूसर का रोल ज़्यादा संभाल रहा था। तो एक हमारे पे जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, और एक दूसरे को पूरा तरीका से हम बिलीव करते हैं हमारा विजन पे, तो शायद उसी वजह से इतना लंबा सफ़र एक साथ हम कर पाए। सर, एडिटर से आपका डायरेक्टर का कैसा सपना? डायरेक्टर बनना सपना पहले से था। एडिटिंग जो मैंने सीखा, जो एडिटिंग के लिए जो मैंने ट्रेन किया, जर्मनी से ट्रेन किया, वो इसीलिए किया कि मुझे मालूम था कि मैं बॉम्बे में आऊँगा, डायरेक्टर बनूँगा, तो कोई नहीं देने वाला है। लेकिन कोई एक स्किल डीओपी हो, एडिटर हो, वो हासिल करके आओ तो थोड़ा पोजीशंस बेटर रहता है। तो मैंने ट्रेन किया एडिटर पे, क्योंकि मुझे लगता है एडिटर जो है वो अल्टीमेटली कहानी को जोड़ता है, प्लस वो जब एडिट करता है तो वहाँ
हर टेक देखता है, एक्टर क्या गलती करता है, कैमरा में क्या मिस्टेक है, लाइटिंग पे क्या मिस्टेक है, स्टोरी का फ्लो कैसा है, पेसिंग, सब उसे पता चल जाता है। तो एज अ डायरेक्टर बनने के लिए एक अच्छा एडिटर होना ज़रूरत है, एटलीस्ट टेक्निकली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को मशीन ऑपरेट करने की ज़रूरत है, लेकिन दिमाग पे वो एडिटिंग कैसा होता है वो एक बार आप जानते हो तो डायरेक्टर हिसाब से बेहतर रहता है। दर्शकों तो उनको भी मालूम होगा मैं क्या बोलना चाहूँगा। हर डायरेक्टर फिल्म रिलीज़ के पहले एक ही चीज़ कहता है कि आई होप कि आप लोग डाउनलोड नहीं थिएटर में जाके फिल्म देखें। ओके, थैंक यू। थैंक यू।